मैं गोविंदराव मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये ढोंगी है, ये आदित्यनाथ है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मंदिरों में सारा कुछ है तो फिर मंदिर छोड़ करके मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? सारे साधु इन्होंने पार्लियामेंट में बदल दिए। जिस तरह से बाबा रामदेव है, बड़ी बड़ी बात करता था और आज बिल्कुल चुप है वो। आरएसएस ने कभी ना तो आज़ादी में भाग लिया, और जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे उनको भी अंग्रेजों से मिलकर के जेल में भिजवाने का काम करते थे। और ये जो दोनों बैठे अमित शाह और मोदी जी, ये पूंजीपतियों की कठपुतली। सुपरस्टार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मिली धमकी के बाद में अब राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के मंत्री गोविंद राम मेघवाल को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। मंत्री को ये धमकी लॉरेंस गैंग ने दी है। इसके साथ ही गैंग ने मंत्री मेघवाल से 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। किसी सोपू गैंग का सदस्य बताकर ये 70 लाख रुपयों की मांग की गई है। मंत्री मेघवाल ने इसकी शिकायत डीजीपी एमएल लाठर से की है। धमकी देने वाले ने अपने आप को लॉरेंस गैंग के संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एसओपीयू का सदस्य बताया है। धमकी के साथ ही व्हाट्सएप पर भी मेघवाल को उनके बेटी और बेटे की तस्वीरें भेजी है। इसमें उनके साथ सुरक्षा नहीं होने का दावा करते हुए धमकी दी गई है, साथ ही फिरौती की मांग की गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस की क्राइम ब्रांच पूरी जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि गोविंद राम मेघवाल बीकानेर के खाजूवाला से कांग्रेस के एमएलए हैं। मेघवाल राज्य सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं। उनके बेटे समेत पूरे परिवार को गैंग ने धमकी दी है। मंत्री मेघवाल ने कहा कि 70 लाख रुपए की मांग की गई है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल का पूरा परिवार राजनीति में है। उनके पुत्र पुंगल पंचायत समिति में प्रधान है, जबकि बेटी सरिता मेघवाल और पत्नी आशा देवी जिला परिषद की सदस्य है। फिलहाल गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस की बाड़ेबंदी में बंद है, और साथ ही कांग्रेस की बाड़ेबंदी में मंत्री को धमकी मिलने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएमआर भारत टीवी।